अमृता रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पनीर लबाबदार की क्विक एंड इजी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आप लोग रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तो ये खाते ही हैं, लेकिन अब आप घर पर बनाइए अपना ये पनीर लबाबदार बहुत ही इजी और सिंपल मेरी इस रेसिपी से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा पनीर लबाबदार बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा पनीर। मैंने लिया है ये 200 ग्राम पनीर। आप चाहे तो प्लेन पनीर भी ले सकते हैं। मैंने लिया है ये मसाला पनीर, और लिया है मैंने ये 4 चॉप्ड टमाटोज और 2 चॉप्ड अनियन है। ये लिया है हमने लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा और हींग पाउडर, और ये है फ्रेंड काजू और तरबूज के बीज का पेस्ट, और ये लिया है हम लहसुन, हरी मिर्च, अदरक। सो फ्रेंड्स, बस अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हमें हमारा जो पनीर है उसमें थोड़े मसाले ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1/4 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। और बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। बिना प्याज का पनीर लबाबदार बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप लहसुन और प्याज इसमें से हटाकर इसमें 2 टमाटोज और बढ़ा दीजिएगा। अब हम एक पैन लेंगे। देखिए फ्रेंड, उसमें मैंने लिया है ये बटर। आप देसी घी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कुकिंग ऑयल लेते हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन बटर और देसी घी में जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से हम अपने पनीर को इसमें डाल करके कुछ सेलो फ्राई कर लेंगे। हमें इसकी जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखनी है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सेलो फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक हमारे बोल में निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से एक हमारे पैन में लिया है बटर और देसी घी। फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों ही मिक्स किया है। 2 टेबल स्पून आप बटर और 2 टेबल स्पून ही आप अपना देसी घी ले लीजिए, और इसमें अब हमारे जो भी साबुत खड़े मसाले हैं वो हमने अब इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको भुनने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गार्लिक, लहसुन और हमारा जिंजर, अदरक, और एक हमने लिया है हमारी ग्रीन चिली, हरी मिर्च। हमारी जो फ्लेम है उसे हम मीडियम ही रखेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा लगभग भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारे 2 चॉप्ड अनियन। इसे भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे 4 चॉप्ड टमाटोज। अगर आप फ्रेंड्स अनियन नहीं खाते हैं तो आप इसमें अनियन को, प्याज को स्किप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बस अब हमें इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रखना है, जिससे कि जो हमारे टमाटो हैं वो हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, वो इसमें मैश हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो टमाटो है वो अच्छे से मैश हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा काजू और तरबूज के बीज का पेस्ट। फ्रेंड्स, देखिए अगर आपके पास तरबूज के बीज नहीं है तो आप खरबूजे के भी बीज ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप अपने काजू थोड़े इसमें बढ़ा दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, एक पैन में मैंने फिर से ऐड किया है हमारा बटर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने, और थोड़ा मैं एक छोटा टुकड़ा डालूँगी इसमें दालचीनी का। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हींग पाउडर 1/4 टीस्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो हमने पेस्ट बनाया है उसे। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा पेस्ट है वो हमें बहुत ही फाइन बनाना है। सो फ्रेंड्स देखिए, बस अब हमारा पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हमारा वाटर। बस अब हमें इसे फ्रेंड 2-3 मिनट के लिए इसको भूनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर इसमें हमारा कलर आया है। बस कुछ इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम ले रहे हैं हमारा कोरिएंडर पाउडर, और हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर।
बस अब इन मसालों को भी मिला करके हम इसे बहुत अच्छे से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही रिच ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। अब हम लेंगे हमारी ये कसूरी मेथी और कुछ इस तरह से हाथों से इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे। इसे भी हम अपनी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड अब हम इसमें हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग से सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मलाई या क्रीम। आपके पास जो भी हो आप घर की क्रीम ले सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप मार्केट की क्रीम लेकर के इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं घर की क्रीम ले रही हूँ। मैंने एक कटोरी इसमें घर की क्रीम को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। जो हमारे दूध पर मलाई आती है आप उसी मलाई को लीजिए बाउल में और उसे बहुत अच्छे से आप स्पून की हेल्प से फेंट लीजिए। फिर उसके बाद हम उसे इसमें ऐड कर देंगे और अब हम लगातार इसको चलाएंगे और अब हम हमारी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पनीर। पनीर को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट्स के लिए रख देंगे। सो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट्स हमारे हो चुके हैं। हम चेक करते हैं हमारा पनीर। सो देखिए फ्रेंड्स हमारा पनीर बहुत ही अच्छा बना है, उसकी एकदम थिक ग्रेवी बनी है। अब हम हमारी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे और हमारा ये पनीर लबाबदार बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स अब आप भी बहुत ही इजी रेसिपी से घर पर बनाइए अपना पनीर लबाबदार, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो एंजॉय इट। थैंक यू।